हाय फ्रेंड्स, तो आज जो है मैं छुट्टी ले रखा है, थोड़ा शूटिंग कर रहा हूँ। हमारे शहर के जो संस्थापक हैं उनका पुण्यतिथि है कल और जन्मतिथि है, और काफ़ी सुंदर शहर सजा हुआ है। हम लोग को उस दिन छुट्टी मिलता है, मैंने एक दिन और छुट्टी ले लिया है ताकि 5 दिन लगातार छुट्टी रहे और एक लंबा वीकेंड मिल जाए। तो इस चक्कर में मैं बोर हो रहा था तो सोचा एक वीडियो बनाऊँ PX100 को लेकर, और बहुत सारे लोगों का पावर ट्यूनिंग पे क्वेश्चन रहता है तो मेरे पास क्योंकि क्रोनी लगा हुआ है तो मैं क्रोनी के साथ पावर ट्यूनिंग करके कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो स्टार्ट करेंगे जो सबसे मैक्सिमम जो परमिटेड है हम लोग को 20 जूल 15 फुट पाउंड, उस पावर पे स्टार्ट करेंगे शूट करना और धीरे धीरे पावर घटाएँगे। कैसे घटाएँगे मैं नहीं दिखाऊँगा, तो ये बेसिकली हैमर स्प्रिंग से घटाते हैं बढ़ाते हैं और कोई तरीका नहीं है। 100 के लिए 20 राउंड चलाऊंगा, जो जीरो किया हुआ है स्कोप सुपर डोम QoS पैलेट्स के, और डिफरेंट पावर सेटिंग्स पे एक्यूरेसी चेक करूंगा। तो स्टार्ट करूंगा 20 जूल से और ख़त्म करूंगा 15 जूल या 12 जूल, जितना कम हो सके, 2 या 3 शॉट पर टारगेट पे। ये मैंने QoS के सुपर हैवी डोम 9.56 ग्रेन्स के मैंने लोड किए हैं, 20 राउंड लोड किए हैं। मैक्सिमम पावर सेटिंग से मिनिमम पावर सेटिंग पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये पैलेट जीरोड है, स्कोप इस पे जीरोड है, तो ये PX100 पे इसको चला के देख रहे हैं और पावर हर 2-3 शॉट के बाद चेंज करके देखेंगे। तो ये नीचे लगा और मैंने क्रोनी का रीडिंग लेना भूल गया। टू सिक्सटी टू पॉइंट जीरो 3 शॉट। टू फिफ्टी पॉइंट सिक्स 254.2 और कम करते हैं। 195.3, मैं जितना कम कर सकता था मैंने उतना कम कर दिया है। अब 2 डॉट साइट नीचे लग रहा है पैलेट, ये देखिए आप टारगेट पे लगा 79.8। अब हम लोग नीचे से शुरू कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ मैक्सिमम पे है सेटिंग ये 277.3 278.1 278.5
अब देखते हैं, मैंने हाफ पावर कम किया है, 266.8, टू 70.2, 268.3। ये मुझे स्वीट स्पॉट लग रहा है। इस पर सारे लास्ट के शॉट लोएस्ट सेटिंग्स पे, टू 57, 264.2, 263.4, 264.9। तो ये स्वीट स्पॉट है, 260 के आसपास मीटर पर सेकेंड QoS पैलेट्स के लिए। तो आप देख सकते हैं कि पावर एडजस्टमेंट से हम लोग कैसे पैलेट और स्कोप और टारगेट सबको ट्यून करते हैं। ये सब जो महंगे गन्स होते हैं FX इम्पैक्ट वगैरह में काफ़ी ईजी होता है, इसमें जो है आपको कुंडी लगता है और PX100 का काफ़ी मुशक्कत करना पड़ता है, मैनुअली मेहनत करना पड़ता है।